out black rings, what you go down? You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it, talking shit from the drama. Keep it coming out and send you to your mama. It's the whip and the gun down. Dropping bodies in the place till sundown. Can't fuck with this, I'm going to try. Just watch the bullets fly, I'm the last one to die. Good morning guys, how are you? It's day 2 in Coorg Madikeri and aaj hum log nikal rahe hain fir se aaj city tour karne aur different spots ko dekhne ke liye jahan bhi hum ghoomne jayenge aaj cover karenge. Abhi tak 273 km kal se cover up ho gaya ghar se. Kal raat ko yahan pe bahut achhi neend to aayi aur saath mein खाना वाना जो भी था हो मिस्टेक का एवरीथिंग वाज क्वाइट गुड. कुर्ग की वादियों के मज़े लेते हम लोग पहुंचेंगे अभी डिफरेंट स्पॉट्स और वो फिर आपको दिखाएंगे. दिस एरिया इज़ लाइक बिट डेजर्टेड बट कम्प्लीटली इनटू द नेचर. चारों तरफ कॉफ़ी प्लांटेशन है और क्या ही नज़ारे हैं. कल तो आपको दिखाया ही था वीडियो में. सो गाइज वी आर इन मडिकेरी एंड मडिकेरी जो है ना ये थोड़े हाइट पे है तो हम लोग जिधर थे कुर्ग उधर से मडिकेरी आए. रोड वॉज गुड बट समहाउ बहुत ट्विस्टिश थे और यहाँ देख के लग रहा है कि वी आर इन हिल स्टेशन. उधर तो नहीं लग रहा था. अभी हम लोग मंडाल पेट्टी व्यू पॉइंट है वहाँ निकल रहे हैं. अभी फ्यूल अप फिर से किया हमने और फुल टैंकी कर दी है और यहाँ से 20 किलोमीटर्स है. आई मीन मडिकेरी सेंटर सिटी से बोल सकते हो कि 20 किलोमीटर्स है मंडाल पेट्टी और 45 मिनट्स ऑलमोस्ट लग जाएंगे. सो पहाड़ों वाली रोड का मज़ा लेते अपन लोग निकलते जा रहे हैं. और इधर जो थोड़ा ना मौसम धूप तो निकली हुई है गर्मी भी है बट फिर भी थोड़ी थोड़ी ठंड है इधर. आई मीन थोड़ा ठंड आपको लगेगा. अच्छा कूल एयर है इस साइड आओगे तो. बाकी सिटी में तो गर्मी रहती है यार दिन में. रास्ते में देख रहे हो कई सारी कॉफ़ी की पूरी जो प्लांटेशन है ना वो दिख रही है. जैसे टी की रहती है वैसे यहाँ पे कॉफ़ी की है. पूरा जंगल एरिया है ये. अच्छा वो नहीं दिख रहा मुझे. कॉफ़ी हार्वेस्ट भी चल रहा है और रोड पूरे ट्विस्टीज हैं और बहुत कम लोग अभी दिख रहे हैं क्योंकि हम लोग ना गलत टाइम पे हैं. एक्चुअली इट्स ऑलरेडी 12:50. सो यहाँ से व्यूज़ देखो गाइस कितनी ऊंचाई पे हम आ गए हैं और पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं आगे. खाई है नीचे. तो गाइस हम लोग अभी हारंगी नदी के ब्रिज पे हैं. एक छोटी सी ब्रिज है यहाँ पे और देखो मस्त सा नज़ारा है. फोटो ले लो एक. और अभी और भी रास्ता ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से फिर से. ये देखो. तो यहाँ से मंडाल पेट्टी का रास्ता स्टार्ट होता है. देख रहे हो आप यहाँ इधर एलिफेंट क्रॉसिंग भी है और ये देखो बोर्ड लगी और जीप्स बहुत सारे जीप यहाँ से आते जाते हैं.
अभी हमें यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से जीप से मेनली लोग जाते हैं। लेट्स सी हाउ द वे इज़। एंड बाइक तो अपनी है, कहीं भी चल जाने वाली, बट थोड़ा केयरफुल होके चलाना पड़ता है ऐसे रास्तों में, बिकॉज इट्स वेरी नैरो, रोड इज़ वेरी नैरो हियर। बट सब कुछ एक्सपीरियंस है भाई। ओहो, दम पतली सी रोड जा रही है ऊपर। तो हम हैं जंगलों के बीच, पहाड़ों के बीच। ओह, लोग कहाँ कहाँ पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, ट्रैकिंग। कैसी जीप सब आपको मिल जाएगी रास्ते में। आई मीन इफ़ यू वॉन्ट टू गो बाई जीप ऑल्सो देयर इज़ अ वे पॉसिबिलिटी, बट मुझे पता नहीं जीप से कैसे जाते हैं, क्योंकि हम तो भाई हर जगह बाइक से ही पहुंच जाते हैं। और थोड़ा हाइट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से चढ़ाऊ है। बट भैया भाई कल के बाद ना, कल हाईवे परफॉर्मेंस के बाद मैंने अपने गाड़ी का नाम रख दिया स्टेलर। कल जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है ना गाड़ी ने रास्ते में, दिल जीत लिया मेरा। तो अभी इसका नामकरण हो चुका है, सो दिस इज़ नाउ स्टेलर। सो लेट्स सी हाउ द स्टेलर विल परफॉर्म इन दिस रोड्स। हाइट है पता चल रहा है, गाड़ी देख रहे हो नॉक करना स्टार्ट कर देती है थर्ड गियर में। तो भाई ऑफ रोडिंग के भी मजे लेने पड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रोड्स ख़राब हैं, बीच बीच में पैचेस हैं ख़राब वाले। तो गाइस यहाँ से ना पूरा ऑफ रोडिंग स्टार्ट है, और आगे दिखा दूँ आपको रास्ता, देखो। और यहाँ से 4 किलोमीटर लगेगा, हमें आगे जाना पड़ेगा। मोस्टली यहाँ से जीप से नॉल जाते हैं, पर जीप के लिए वेट करना पड़ेगा, और अपन और हम थोड़ा एडवेंचर करते जाएंगे। लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस इज। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, रोड आपको थोड़ा बहुत दिखाते जाएंगे कि कैसी रोड है यहाँ पे। भावना पीछे से रिकॉर्ड कर लेगी, क्योंकि मैं ना निकाल दिया हूँ GoPro, मेरे गले में थोड़ा दर्द हो रहा था हेलमेट भारी होने की वजह से। वंस यू एंटर मंडल पट्टी, दिस इज अ व्यू पॉइंट चेक पोस्ट वेयर यू हैव टू सबमिट योर ड्रोन्स और प्लास्टिक बॉटल्स, एक्सेसरीज, कैमरास, एवरीथिंग। एंड द एंट्री फी विल बी टेकन हियर। We are actually submitting our top box here because the road is fully off-road. You can see more 3.5 kilometers from here. जबरदस्त ऑफ रोडिंग है। आई केम ऑलरेडी ऑन द टॉप फ्रॉम दिस कंप्लीट ऑफ रोड ट्रेल। हैट्स ऑफ टू दिस बाइक, माय KTM एडवेंचर, दैट समहाउ आई वाज एबल टू डू दैट। ये हटानी पड़ेगी। कारों की हालत देख लो,
बाइक तो भाई नेक्स्ट लेवल हो जाता है यहाँ पे आना। भावना नीचे ही रुक गई है क्योंकि शी वॉज अफ्रेड टू कम इन दिस रोड एंड सी हाउ दिस कार विल जीप विल कम। मेरे को समझ नहीं आ रहा था नीचे कि क्यों जीप है यहाँ पे, बट समझ में आ रहा है कि क्या हालात है ऊपर के रोड के। बड़ी वाली जीप अभी नीचे जाएगी। I'm just thankful to myself, not to my bike. Somehow, मैं आ गया ऊपर तक। अभी नीचे उतारना इज़ अ मोस्ट ट्रिकी एंड ऑल्सो काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बट लेट्स सी। आई एम थिंकिंग नॉट टू गो मच मोर। व्यूज यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ एंड हियर इज़ द बाइक मैन। सपने घोड़े ने काम सही से किया है अभी। शाबाश अपने घोड़े को, शाबाशी देना तो बनता है। शाबाश। यहाँ एक फॉर्च्यूनर भी आ रही है। भाई साहब व्हाट इज व्हाट अ रोड, क्रेजी क्रेजी। आई होप कि मैं नीचे आराम मतलब ठीक ठाक पहुंच जाऊं। आई जस्ट डोंट वांट टू फॉल। Rolling up black windows when you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, in the gun time. Dropping bodies in the place till the sun time. I'm the last one to... तो यहाँ से ऑफ रोडिंग जो है ना वो स्टार्ट होती है। यहीं अभी हम लोग अंदर गए थे और अंदर ऊपर जाके व्यू पॉइंट। आई वुड नॉट सजेस्ट टू कम बाई बाइक और ओनली जीप यू शुड गो जो कि यहाँ पे रेगुलर चलती है। एंड मॉन्स्टर पियेंगे और चक्कों से आपको पता चल रहा होगा कि पूरा ऑफ रोडिंग हो गया आज बढ़िया वाला। ये पीना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है क्योंकि इसके पीने के बाद ही अभी वो नीचे जा सकते हैं। क्योंकि भी जब भी मतलब लॉन्ग राइड किया ना हमने, दिस इज़ द बेस्ट। वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स कोटे अबे फॉल्स और मंडलपट्टी पीक से थोड़ा निकल के मडिकेरे के साइड से राइट साइड में एक रोड जाती है, उसी तरफ हम निकल रहे हैं। वो सामने जो पीक है पहाड़ देखो भाई, वो पूरी पहाड़ जो पीक है वो मंडलपट्टी है। और क्या ही ऑफ रोडिंग किया है हमने, अल्टीमेट ऑफ रोडिंग आपने देखा ही होगा। और अभी नीचे एक फॉल की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ द फॉल विल बी। ज़्यादा पानी तो रहेगा नहीं फॉल्स पे, बट स्टिल वी वांट टू विजिट एट लीस्ट वन और टू प्लेसेस सिंस वी हैव कम टू कुर्ग। गाइज वी आर इन अबे फॉल नाउ, कोटे अबे फॉल। और बाइक हमने उधर पार्क कर दी है उसके पीछे। और अगल बगल के नज़ारे देखो, छोटे मोटे शॉप हैं यहाँ पे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और इस साइड में फॉल है। मौसम यहाँ पे ठंडा ठंडा है, बहुत नेचुरल व्यू जो बोलते हैं ना, बहुत ही शानदार है यहाँ पे। और अपनी फोटो जूम करके वहाँ पे है झरना जो बोलते हैं ना, वो फॉल वो वहाँ पे दिख रहा है। और पानी देखोगे ना कितनी साफ है ना, अंदर में मछली तक दिख रही है, छोटी छोटी मछली है ना, वो सब कुछ दिख रहा है इस पानी में। एकदम सीरीन वाटर है ये। और इस साइड में लोग खेल कूद रहे हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे। और अभी अंदर भी जाएंगे, यहाँ भी देखो ना कैसे, इतनी क्लीन वाटर है कि आपको सब कुछ दिख जाएगी अंदर। मछली जितने सारे छोटे 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 पत्थर है ना, सब दिख रहा है। गो इनसाइड, थोड़ा जंगल का भी मज़े लेते हैं अंदर जाके और आपको भी दिखाएंगे अभी। उनके
भाई रास्ता देख लो, फॉल को जाने का जो रास्ता है ना जबरदस्त है। वी आर इन नेचर, वहाँ जाके this beautiful fall, amazing, just amazing, wow। आवाज भी आ रही है वो पानी के झरने की ना, लवली मैन। यहाँ देखो भाई बहुत सारी मछली है। कैसा है पानी? जबरदस्त है ना? चले जाओ अंदर, अभी तुम वॉशरूम चाहिए बस। इन इंस्टा को हटा के रखा था मैंने, बट जो रोड और जो व्यूज़ है ना सोचा कि आपको थोड़ा दिखाते जाऊं। और यहाँ मैप लगा दिया हमने, उधर तो काफ़ी अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस किया, वाटरफॉल भी काफ़ी सुंदर था। और ये रोड में चलाने में ना अल्टीमेट मज़ा आ रहा है। थोड़ा लॉन्ग रूट है, अगर आप इधर से मडिकेरी होते हुए फिर हम अपने घर जाएंगे ना तो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा हमें, बट नो प्रॉब्लम, गाड़ी है, रोड अच्छी है तो फिर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनलाइट जो देख रहे हो ना एकदम सामने सामने, और वो दोनों तरफ पेड़ और शानदार रोड है। सो ये सिटी है, मडिकेरी सिटी में है अभी हम लोग। और थोड़ा आपको दिखा दूँ, यहाँ छोटा मोटा मार्केट है, छोटा मोटा क्या, अच्छे ही मार्केट है यहाँ पे। ज़्यादा तो हम लोग इधर एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो होमस्टे है ना बहुत अंदर जाके है, बट भावना की जो हेलमेट की जो वाइज़र है ना वो टूट गई है, उसके हाथ से छूट गई थी, तो अभी हम लोग वही ढूंढ रहे हैं कि कहीं वाइज़र मिल जाए तो फिर लगवा देंगे। और इधर से आपको मैं थोड़ा शहर दिखा दूँ, जो पहाड़ पर शहर बसा हुआ है ना कुर्ग और मडिकेरी। So ये this is the view। और आगे भी है, बहुत बड़ा शहर है यार ये तो, बहुत सारे घर हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे इन द लाइक कम्प्लीट पीस एंड ग्रीनरी देन मे बी यू कैन स्टे देयर, आई विल रिकमेंड। बट अगर आपको ऐसे शहर भी एक्सप्लोर करना है तो कहीं शहर के पास ही देखना पड़ेगा। तो फाइनली हमें हेलमेट शॉप मिल गया है, एक आदमी ने हेल्प किया हमारा, और यहाँ पे हेलमेट शॉप है। लेट्स सी इफ यू गेट और नॉट, ना कभी चेंज हो गया ये वाला, देखो ये वाइज़र, ये ब्लैक शेड वाला वाइज़र है, सेम है वेगा का ही, और अच्छे से यहाँ फिट भी कर दिया अंकल ने। चलो अब यहाँ से निकलेंगे और एक व्यू पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं, अगर हुआ तो वहाँ जाएंगे, वरना सीधा अब होम स्टे में जाके आराम करेंगे। सो गाइस वी हैव प्लान टू गो टू ग्लास ब्रिज, और सोचा वो भी क्यों ना घूम ही ले जब आए हैं यहाँ पे। यहाँ से 16 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और 6 किलोमीटर है ऑलमोस्ट यहाँ से ग्लास ब्रिज। सो चलो अभी वहाँ चलते, अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। इट्स शोइंग 2 मिनट एंड 400 मीटर। तो गाइस दिस इज द ग्लास ब्रिज, वी विल नॉट बी गोइंग इनसाइड।
क्योंकि लाइन लगी हुई है और काफ़ी टाइम लग जाएगा, वेटिंग भी है। वहाँ से कुछ ग्लास ब्रिज चढ़ के जाना पड़ेगा। दिस इज़ मडिकेरी फोर्ट, जहाँ हम लोग नहीं जा पाए और अभी हम लोग एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ पे यहाँ बहुत बढ़िया फ़िल्टर कॉफ़ी मिलता है, हमारे होम स्टे वाले भैया ने बताया, तो वहाँ जाके कॉफ़ी लेना है। तो रास्ते में ये भी दिख गया तो आपको दिखा दिया थोड़ा। अभी बाइक हमने पार्क कर दी है और ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ मडिकेरी पुलिस स्टेशन, सॉरी। सुकुर में आके अगर आप कॉफ़ी नहीं ट्राई कर रहे हो तो फिर तो कुछ ट्राई नहीं किया। तो अभी हम लोग इसलिए हम लोग एन मने में आए हैं और यहाँ पे कॉफ़ी ट्राई कर रहे हैं। काफ़ी सारी ऑप्शंस है, लोकल कॉफ़ी भी मिलेगा, लोकल कॉफ़ीज भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, बहुत सारी ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स की कॉफ़ी है वो सब भी मिलेगी। रेट सर ओके ओके, नॉट सो चीप नॉट सो कॉस्टली ऑल्सो। और ऐसा कुछ है, और इधर हम भी हैं टायर्ड कम्प्लीटली और यहाँ थोड़ा रिलैक्स करेंगे। Our order is here. We have ordered this organic blend of Robusta and Arabica coffee with the biscotti. So, अब हम लोग कॉफ़ी पियेंगे and refresh होंगे। So guys, we are back to room और काफ़ी ही ज़्यादा एडवेंचर हो रहा है क्योंकि ये जो होम स्टे बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट में है और इस वजह से पूरा रास्ता ही डार्क था और हमारी फॉग लाइट थी और इट वॉज़ वर्किंग वेरी नाइस, पूरा रोड क्लियर दिख रहा था और हम लोग किसी भी तरह से एकदम अंधेरे रास्तों से होते हुए अपने होम स्टे आ गए। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आज आपको मज़ा आया होगा व्लॉग में, कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। तो टिल देन स्टे सेफ, कीप राइडिंग, कीप ट्रैवलिंग। Completed 671.9 किलोमीटर ऑफ टोटल कुर्ग ट्रिप एंड माइलेज इज सम 30 किलोमीटर पर लीटर।